हेलो व्यूअर्स, चिकन पॉक्स होने के कारण, लक्षण और इलाज। कैसे फैलता है चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स की समस्या होने पर आहार में क्या शामिल करें, क्या ना करें और कौन सी सावधानियां रखें। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स एक जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन यह काफ़ी पीड़ादायक रोग है। एक बार होने पर इसका असर 7 दिनों तक काफ़ी हैवी रहता है। अन्य लोगों के संक्रमित होने की आशंका रहती है। मरीज को आइसोलेशन में रखना चाहिए। इसका टीकाकरण बच्चों में होता है, लेकिन कभी कभी इसके बाद भी यह रोग होने की आशंका रहती है। साफ सफाई के अभाव में इस बीमारी की फैलने की आशंका रहती है। आपकी थोड़ी सी सावधानी इन बीमारियों से बचाव कर सकती है। चिकन पॉक्स के रोग में बुखार के बाद शरीर पर लाल दाने निकलते हैं। ये दाने 2 से 3 दिन के बाद फफोलों का रूप ले लेते हैं। 4 से 5 दिनों में इन दानों में से पपड़ी जमकर नीचे गिरने लगती है। चेचक में बुखार और जलन के कारण रोगी को काफ़ी परेशानी होती है। इस रोग को ठीक होने में कम से कम 7 से 10 दिन तक लग जाते हैं। कैसे फैलता है चिकन पॉक्स? चेचक और चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण फैलता है। इस विषाणु के शिकार लोगों के पूरे शरीर में फुंसियां जैसी चकतियां हो जाती हैं। याद रखें कि हवा और खांसी के माध्यम से संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर तक पहुंच जाता है। बच्चों को विशेष रूप से चिकन पॉक्स के रोगी से दूर रखें। चिकन पॉक्स के रोगी घर से कम निकलें। इससे एक परिवार का संक्रमण दूसरे परिवार तक पहुंचने से रुकेगा। रोगी के पास खूब साफ सफाई रखें जिससे संक्रमण बढ़ने ना पाए। चिकन पॉक्स रोग के कारण। चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है। यह रोग हवा के माध्यम से या एक संक्रमित व्यक्ति के छाले से लार, बलगम या तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैल सकता है। चिकन पॉक्स के लक्षण। शरीर का तापमान बढ़ जाता है। यह बुखार 104 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। रोगी को बेचैनी होने लगती है, उससे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और साथ में जुखाम भी हो जाता है। 2 से 3 दिन बाद बुखार तेज़ होने लगता है। शरीर पर लाल लाल दाने निकलने लगते हैं। दानों में पानी जैसी मवाद पैदा हो जाती है और 7 दिनों में दाने पकने लगते हैं। ऐसे में सावधानी रखें कि नाखून से फोड़े नहीं, बीमारी फैल सकती है जो कि धीरे धीरे सूख जाते हैं। दानों पर पपड़ी सी जम जाती है। कुछ दिनों के बाद पपड़ी तो निकल जाती है, लेकिन उसके निशान रह जाते हैं। भोजन और परहेज़। छोटे बच्चों को चेचक होने पर दूध, मूंग की दाल, रोटी और हरी सब्जियां तथा मौसमी फल खिलाने चाहिए या उनका जूस पिलाना चाहिए। चेचक के रोग से ग्रसित रोगी के घर वालों को खाना बनाते समय सब्जी में छोंक नहीं लगाना चाहिए। रोगी को तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाला भोजन और ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं देनी चाहिए। दरवाजे पर नीम के पत्तों की टहनी लटका देनी चाहिए। चिकन पॉक्स होने पर बाहर और भीड़ वाली जगह पर जाने से परहेज़ करें। हो सके तो इस दौरान लोगों से दूर रहें। आयुर्वेद में चिकन पॉक्स का उपचार। 1, नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने से चर्म रोग दूर होता है और ये खास तौर से चेचक के उपचार में सहायक होता है और उसके विषाणुओं को फैलने ना देने में सहायक होता है। 2, एक मुट्ठी नीम की पत्तियां लेकर उनका पेस्ट बना लें। नीम के पानी से नहाने के बाद चिकन पॉक्स वाले हिस्से पर इस पेस्ट को लगा लें। हालांकि इससे त्वचा में खुजली हो सकती है, लेकिन त्वचा के इलाज के लिए बहुत अच्छा उपाय है। 3, नीम के तेल में अक के पत्तों का रस मिलाकर चेचक के दानों पर लगाने से फायदा होता है। 4, चेचक के रोगी का बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा रखें और उसके बिस्तर पर नीम की पत्तियां रख दें। फिर नीम के मुलायम पत्तों को पीसकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। इस एक एक गोली को सुबह और शाम दूध के साथ रोगी को खिलाएं। गर्मी का मौसम हो तो नीम की टहनी से हवा देने से चेचक के दानों में मौजूद जीवाणु जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। तवे पर मुनक्के को भूनकर भी रोगी को खिलाना चाहिए। 5, नीम के 7 से 8 मुलायम पत्ते और 7 काली मिर्च
को एक महीने तक लगातार सुबह खाली पेट खाने से चेचक जैसा भयंकर रोग एक साल तक नहीं होता। नंबर 6, यदि चेचक के रोगी को अधिक प्यास लगती हो तो 1 किलो पानी में 10 ग्राम कोमल पत्तियों को उबालकर जब पानी आधा रह जाए तब इसे छानकर रोगी को पिला दें। इस पानी को पीने से प्यास के साथ साथ चेचक के दाने भी सूख जाते हैं। नंबर 7, 5 नीम की कोमल पत्तियां, 2 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री लेकर सुबह सुबह चबाने से या पीस कर खाने से चेचक के रोग में लाभ होता है। नंबर 8, जब चेचक फैल रही हो तो उस समय प्रतिदिन सुबह तुलसी के पत्तों का रस पीने से चेचक का संक्रमण से सुरक्षा बनी रहती है। नंबर 9, बुखार को कम करने के लिए तुलसी के बीज और धुली हुई अजवाइन को पीसकर रोगी को पानी के साथ दें। चिकन पॉक्स के मरीज को इस आहार से परहेज करना चाहिए। चिकन पॉक्स के मरीजों को फैट फूड, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट और अंडे खाने से बचना चाहिए। चिकन पॉक्स के दौरान स्ट्रीट फूड यानी खट्टे फलों को और उनका जूस पीने से भी बचना चाहिए। साथ ही बहुत अधिक नमक और नमक युक्त फूड, मसालेदार फूड, चॉकलेट, पीनट बटर, मूंगफली जैसी चीज़ें भी ना खाएं। रोस्टेड फूड और जंक फूड के साथ ही तले हुए फूड भी ना खाएं। चिकन पॉक्स के रोगी इन चीज़ों को खाने में शामिल करें। चिकन पॉक्स के मरीजों को खाने में पानी से भरपूर खाने को शामिल करना चाहिए, जैसे गाजर का ताज़ा जूस, तरबूज, कीवी, नाशपाती आदि फल, योगर्ट या दही, ठंडा पानी जैसी चीज़ें लेने से आराम मिलेगा। चिकन पॉक्स के शुरुआत के 3 दिन दही और चावल ही खाने चाहिए। चिकन पॉक्स की समस्या होने पर ये रखें सावधानियाँ। नंबर 1, चिकन पॉक्स के दौरान शुरुआत में नहाना नज़रअंदाज करें, लेकिन 3 दिन के बाद पानी की बाल्टी में 2 से 3 घंटे नीम की पत्तियाँ डाल दें। चाहे तो 1 घंटे के लिए इस पानी को धूप में भी रख सकते हैं। नहाने के बाद पूरे बदन पर हल्दी या नीम का पेस्ट लगाएं। नंबर 2, पानी का करें भरपूर उपयोग। चेचक के मामले में महिलाएं विशेष सावधानी बरतें। धूप में कपड़ों को सुखाएं तथा हवादार स्थान पर रहने की कोशिश करें। इसके साथ ही नींबू, नारियल व दाल के पानी का भरपूर उपयोग करें। दवाओं का उपयोग कम करें तथा एंटीबायोटिक से परहेज करें। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है चिकन पॉक्स की समस्या होने के कारण, लक्षण और इलाज, और चिकन पॉक्स में क्या खाएं, क्या ना खाएं और क्या रखें सावधानियां। व्यूअर्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है तो अटेंड करें लाइव क्लास बाय गौरव धवन सर, वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्यूअर्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं। मिलते हैं कल ऐसी ही एक हेल्थ वीडियो या ब्यूटी टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।